हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जब आपके समर वेकेशन से पहले हमने वीडियो बनाई थी, तब चैप्टर 7 हमारा स्टार्ट हो रहा था। 7.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और उसके 3 सम हम लोग कर चुके थे, तो हमारा 1 सम बचता जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ख़त्म करते ही हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्या बोलता है ये, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स। क्या करना है उसको, एक क्यूबॉइड है, मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इन साइड्स की उसके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, उसको ये बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड आप लोग जानते हो कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है और ये आप लोगों ने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, जब हम करते थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D, ठीक बच्चों। तो आगे क्या बोलते हैं ये, हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। और क्यूबॉइड क्या था, एक 3 डायमेंशनल फिगर जहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। और क्यूब क्या होता है, अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम इक्वल कर दें तो क्यूबॉइड का नाम चेंज होके क्यूब बन जाता है। तो ये बोलता है कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डायमेंशंस वाले कितने क्यूबॉइड को हम ज्वाइन कराएं कि एक क्यूब बन जाए हमारे पास, ठीक है। एक क्यूबॉइड है 5 to 5, उसकी जो डायमेंशंस है, ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड को ज्वाइन कराएं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हम उसको कुछ इस तरह से रखें कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए, कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्यूब है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसके अंदर है हमारे पास ये क्वेश्चन आया। देखिए क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ साइड 5 to 5, जो ये डायमेंशंस दे रखे हैं उन डायमेंशंस के साथ जो क्यूबॉइड बनता है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया। अगर आपका वॉल्यूम नहीं निकालना आता तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो गिवन होगी, सेम यूनिट होगी उनकी, उनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, 5 into 2 into 5। अब इस डायमेंशन वाले कितने हम क्यूबॉइड लेके आए और उनको हम अरेंज करें कि हमारे पास है कि जो नई फिगर बनती है वो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमने यहाँ देखा कि क्यूब हमारे पास क्या होता है, अगर वो क्यूब बनेगा तो उसकी एल बी एच इक्वल आएगी, इक्वल आएगी तो एल बी और एच जो यहाँ पे आए हैं, अगर 5 5 आता तो ये तीनों हमारे 5 5 बनते तो वो क्यूब बन जाता। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 3 तो 5 चाहिए जो हमारे 5 आए हैं, और जो ये 2 है ये भी हमारा 3 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन है कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स। तो कितने टाइम्स रहता है ये, 2 टाइम्स बचता है, और 5 कितने टाइम्स रहता है, ओनली 1 टाइम्स। वही लिखा हमने हेयर 2 5s, 2 तो 5 एंड 1 2 आर लेफ्ट, 2 5 हैं और 1 सिंगल 2 है, वो बचते हैं, किससे बचते हैं, परफेक्ट क्यूब होने से रह जाते हैं। अगर हम उसे परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें उनकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, किसके साथ, विच आर नॉट इन ए ट्रिपलेट, वो हमारे ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि 3 3 के जो हमारे पास ग्रुप बनता है उस 3 के ग्रुप का बोलते हैं ट्रिपलेट्स। इफ वी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2 into 2 into 5, ये कहाँ से आया, क्योंकि ये हमारे पास 5 कितने हैं, 2 है, हमें कितने चाहिए, 3, तो 1 वो 5 आ गया। तो ये यहाँ देखो हमारे पास 2 कितना है, 1 है, कितने चाहिए, 3 चाहिए, कितने की कमी है, 2 की, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, इसका मतलब क्या है, 20 है, तो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, देखा हमारे पास, देखो ये 1000 आ गया, 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, और विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो कितने इस डायमेंशन के हमारे पास क्यूबॉइड चाहिए कि उनको ज्वाइन कराने पे परफेक्ट क्यूब बन जाए, कितने चाहिए, 20 क्यूबॉइड चाहिए, हम उनको रीअरेंज करेंगे कि बड़ी फिगर हमारे पास क्यूब बन जाए, ठीक है बच्चों।